हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा यार सेकेंड डे जेंगो प्लेलिस्ट के रिएक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली रिएक्ट को करेंगे इंस्टॉल। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्ट को कर सकते हैं इंस्टॉल। तो उसके लिए जो कमांड हमारा होता है वो होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड बोल रहा है क्रिएट क्रिएटिव इज एन ऑफिशियली सपोर्टेड वे टू सिंगल पेज अपनी क्रिएट वे टू मॉडल टू वे सेटअप विद नो कॉन्फिगरेशन। क्योंकि स्टार्ट में सिंपली इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने सिंपली npm के बारे में देखा था, नॉट पैकेज मैनेजर के बारे में देखा था, यहाँ पे npx क्या होता है। देखो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि npm जो होता है वो बेसिकली कोई भी चीज़ को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है। जैसे कि मेरे को यार प्लम्बर का काम है, ठीक है, ऐसा समझ लो मेरे को प्लम्बर का काम है, तो मैं प्लम्बर को घर पे बुलाऊंगा और अपने घर पे रख लूंगा। ये बेसिकली क्या करेगा, npm करेगा। npm क्या करेगा, आपको इंस्टॉल तो कर देगा लेकिन वो आपके सिस्टम पे ही रख देगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने प्लम्बर का काम था तो मैंने प्लम्बर को क्या कर दिया, अपने घर में ही रख दिया। तो ये बेसिकली होता है npm। बट npx क्या होता है, बिना डाउनलोड किए आपको यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, npx क्या होता है, npx बेसिकली बिना डाउनलोड किए आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करा देगा। जैसे कि अगर मेरे को प्लम्बर का काम है तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, उससे जो काम करवाना है वो करवा दूंगा एंड उसको फिर पैसे देके भेज दूंगा, मैं उसको अपने घर पे नहीं रखूंगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली npx। तो यहाँ पे हम लोग जो रिएक्ट को इंस्टॉल करने का कमांड यूज करते हैं वो होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, वहाँ पे माई ऐप का नाम। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप लिखोगे npx क्रिएट रिएक्ट, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बेसिकली चीज़ें होंगे एंड आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे npx के यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग कैसे बेसिकली रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये npx का तरीका है, npm से आपको npm से भी आप कर सकते हो, वो ये है npm से इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यान से आप ये कर सकते हो, यान से का ये तरीका है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं करूंगा बैक। और आप लोग ये जो 100 डेज ऑफ जेंगो का रिएक्ट का प्लेलिस्ट है, तो वो क्या रहा है कि मैंने अभी अभी 100 डेज ऑफ जो हमारा जेंगो है उसको कंप्लीट करा है ना, तो वो मेरे को जेंगो जेंगो बोलने का आदत हो गया। तो बट कोई बात नहीं, अब रिएक्ट पे आएंगे। तो ये जो हम लोग का रिएक्ट का प्लेलिस्ट है, आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना और आपको यहाँ पे व्यू प्ले फुल प्लेलिस्ट रिएक्ट के नीचे 100 डेज ऑफ रिएक्ट के नीचे आपको व्यू प्लेलिस्ट व्यू फुल प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करना तो ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और लोग इसको फॉलो कर लेना। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको शेयर कर सकते हो, बाकी यहाँ पे बुकमार्क आप यहाँ पे कर सकते हो बुकमार्क। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने जो कल फोल्डर बनाया था यहाँ पे, मैं रिएक्ट नाम का जो फोल्डर बनाया था मैं इसके अंदर जाऊँगा। सिंपली अपना जो यहाँ पे मैं वीएस कोड को करूँगा ओपन, तो वीएस कोड को मैंने कर दिया ओपन और इसको मैं सिंपली ऐसे रखूंगा। और वीएस कोड को ओपन के साथ मेरा यहाँ पे वेलकम पेज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली टर्मिनल खोलूंगा। टर्मिनल खोलने के लिए आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टर्मिनल दिखेगा, न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक करना। वरना इसका जो कमांड होता है बेसिकली शॉर्टकट होता है, जैसे आप क्लिक करोगे टर्मिनल पे तो न्यू टर्मिनल का कमांड की Ctrl+C+L बैकटिक। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली मैं इसको अभी हटाऊंगा और Ctrl+Backtick करोगे आपका टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल खुलती है आपको क्या लिखना है, npx, अभी जो मैंने कमांड आपको बताया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और जैसे मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप का नाम रखना चाहता हूँ या फर्स्ट ऐप, मैं ऐसा नाम रखता हूँ फर्स्ट रिएक्ट फर्स्ट ऐप, अब मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। तो यहाँ एंटर करने से ही आपको थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ पे बता रहे क्रिएट न्यू ऐप इन, ये डायरेक्शन बता रहा है, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। तो आप लोग इसको अपना टाइम देना और फिर ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे ताकि ये बेसिकली रिएक्ट को इंस्टॉल कर दे। ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी रिएक्ट अपने अंदर डिपेंडेंसी को यूज़ करता है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम तो लगाएगा, जैसे कि ये रिएक्ट डॉम का यूज़ करेगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट, जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स इंस्टॉलिंग रिएक्ट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड सीआरई टेम्पलेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे एंड यहाँ पे इसके ख़त्म होने का हम लोग वेट करेंगे। तो ये बाकी अपना इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगाते हुए भाई होता है, इतना टाइम भी लगा रहा है। तो यहाँ पे यार हम लोग देखते हैं सिंपली अपना गेटिंग रिएक्ट ऐप। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बेसिकली इतने सारे आपको दिखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होने वाला है, तो इतने सारे फाइल से क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो टाइम तो लगा ही रहा है ये। तो मैं अगर देखूँ तो पैकेज और जेसन भी तैयार कर दिया, बाकी इसके अंदर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाला है, तो काफ़ी समय लगा रहे हैं। जो आप जब इसको पहला बार इंस्टॉल करोगे ना, मतलब फर्स्ट टाइम करोगे, तो ये इतना आपको टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लेने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसका डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया है यार, डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया है यहाँ पे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये है फोल्डर स्ट्रक्चर, बाकी इंस्टॉल हो गया होगा अब तो। नहीं भाई, बहुत टाइम लग रहा है ये, तो वेट करेंगे इसको इंस्टॉल होने में। मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं हटा दूँ, कैंसिल कर दूँ? नहीं यार, थोड़ा टाइम देंगे यहाँ पे, कैंसिल नहीं करना है। बाकी अभी इंटरनेट भी थोड़ा स्लो आ रहा है, जैसा कि आपको पता ही है अपना इंटरनेट काफ़ी स्लो है। तब तक मैं आपको बताता हूँ यार कि रिएक्ट ऐप कैसे काम करता है। तो जैसे मैं कल एक आपको टूल यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल करवाया, क्रोम में ऐड करवाया था, यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर टूल था। तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल दिया कि दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ट रिएक्ट एंड ओपन द डेवलपर टूल्स एंड कंपोनेंट एंड प्रोफाइल टैब विल बी अपीयर टू द राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना डेवलपर टूल ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं कंसोल पे जाऊँगा तो शायद मेरे को देखने को मिलेगा। मैं फिर से देखूंगा मेरे को कहाँ पे देखने मिलेगा, सिंपली यहाँ जाऊंगा एंड रिएक्ट डेवलपर टूल कहाँ है भाई, कंसोल पे मैं फिर से देखूंगा, मेरे को यहाँ पे बता तो रहा है कहीं पे देखने को मिलेगा। ओपन द डेवलपर टूल्स एंड कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर टैब विल बी अपीयर टू द राइट। कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर टैब कहाँ पे है? या मेरे को कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख गया है, मैं सिंपली कंपोनेंट्स पे करूंगा क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे बेसिकली आपको बता रहा है कि आपको कौन कौन सा कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो इसी के लिए मैंने आपको बेसिकली इंस्टॉल करवाया था आपसे, ये वाला टूल आपसे करवाया था मैंने यहाँ पे इंस्टॉल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपोनेंट्स मेरे को बता रहे कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, बाकी प्रोफाइलर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको टाइम के साथ देखेंगे हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी और भी देखते हैं यार कंपोनेंट्स वगैरह ही। बाकी कंपोनेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, देख सकते हो कंपोनेंट ट्रीज का काफ़ी 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 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया होगा यार अब तक, अब नहीं इंस्टॉल हुआ है तो बंद करना ही, अब मेरे को सही लग रहा है। मैं फिर से इंस्टॉल करूँगा और इस बार देखूँगा इस बार इंस्टॉल हो जाए तो। ये बोला है डायरेक्टली फर्स्ट कंटेनिंग फाइल द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो मैं इसको करूँगा डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन एंड यहाँ पे मैं फिर से करूँगा इंस्टॉल। तो इस बार ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए, बाकी ये इंस्टॉल कर रहा है तो आप देख सकते हो फिर से तो वही दिख रहा है। बाकी इस बार जो है थोड़ा सा काम आगे मेरे को दिखा है, तो यहाँ पे बहुत सारा डिपेंडेंसी ये इंस्टॉल करते हुए आगे बढ़ रहा है। हो गया भाई, कि थोड़ा सा ये टाइम लगाने वाला है भाई, थोड़ा सा ये टाइम लगाना है। जैसे आपने देखा मेरा फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉल हुआ नहीं, सेकेंड टाइम पे भी ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है, बट इस बार शायद हो जाना चाहिए। ओके ओके ओके, क्या हो रहा है भाई ये? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस बार भी पैकेज तो जैसे नहीं इंस्टॉल हुआ है सिर्फ। थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लगा रहा है आपका यार, एक बार में हो जाएगा, बाकी मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है। आप सिंपली एक बार चलाओगे ये आपका इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो इंटरनेट आते हुए और फिर बाकी लिमिट भी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ना ही कोई एरर मिल रहा है मेरे को, ना ही बेसिकली कुछ मिल रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सॉरी मैं करता हूँ यार, इसी करता हूँ।
ओके, मैंने भी यहाँ पे फिर से बंद कर दिया, यहाँ पे मैं फिर से इसको करूँगा डिलीट, और इस बार मैं ट्राई करूँगा अपना टर्मिनल, नहीं यूज़ कर रहा भाई मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, बट मेरा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं पता। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा, एंड यही यही कमांड मैं npx create reactive फर्स्ट ऐप में सिंपली यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉल होता है नहीं, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए भाई। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, आपका भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी मेरा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा रहा है, देख सकते हो। एक रिएक्ट प्रोजेक्ट मुझे इंस्टॉल करना है, बाकी ये फर्स्ट टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यार, अब फर्स्ट टाइम रिएक्ट इंस्टॉल करोगे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा। यहाँ पे भी टाइम लगा रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। वेट करेंगे बाकी इसको इंस्टॉल होने तक का, तो कहीं देखते हैं भाई रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन। बाकी रिएक्ट को जो नया तरीका अभी जो है रिएक्ट को इंस्टॉल करने का, वो कुछ ये है, यहाँ पे उसका नाम है वीट, आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ यहाँ पे वीट। आप इसके बारे में सुने होंगे, आप रिएक्ट को इंस्टॉल वगैरह अगर मतलब रिएक्ट के बारे में आप जानते हो तो, वीट के बारे में। तो वीट क्या है कि मॉडर्न वे यार, कि आप कोई भी फ्रंट एंड का अगर टूल कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो वीट के तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको भी यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा, तो मैं गाइड पे सिंपली जाऊंगा, और यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि अपने यहाँ पे बहुत सारे तरह के यार, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में भी रिएक्ट है, तो आप यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो कमांड हमारा होता है npm create wait एट द रेट लेटेस्ट, तो ये बेसिकली हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ये आज की वीडियो में का कंटेंट नहीं है अभी। तो यहाँ मेरा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है बहुत ज़्यादा, बट वेट करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल होने का। पहले बार में इतना टाइम लगा मेरे को पता नहीं था भाई, इतना टाइम लगाएगा, वेट करेंगे यहाँ पे इसका इंस्टॉल होने का। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग वीट यूज़ करो, मतलब अगले डे में जो हम लोग देखने वाले हैं ना वीट को, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे आप लोग बेसिकली स्टार्ट करो, इंस्टॉल करो। बाकी ये कमांड जो है थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है मेरा, बाकी मेरा इंटरनेट भी उतना ही स्लो आ रहा है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ ये इंस्टॉल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम लोग आएंगे सिंपली, ज़्यादा इंस्टॉल हो भाई जल्दी। जब प्रोफाइल 10,000 में देगा हाँ? पसंद है वैसा लीजिएगा वैसा लीजिएगा। नहीं, मैं तो मेरा ना बढ़िया बनाता है, तो फिर से लूंगा इसको बंद एंड फिर से मैं ट्राई करूंगा। ये कमांड एक बार ट्राई करूंगा, यहाँ पे मैं वीट ही से मैं करूंगा इंस्टॉल, तो मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगा, यहाँ पे मैं वीट को यूज करूंगा, एंड यहाँ पे भाई मेरा इंटरनेट ही स्लो है लगता है, वीट भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो पैकेज लोकेशन से आगे बात बढ़ा ही नहीं है। ओके, बाकी वीट भी नहीं कर रहा है, तो ये कमांड यार आप लोग यहाँ पे देख लेना मेरा, क्योंकि यहाँ पे रन नहीं हो रहा, इंटरनेट प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये जो यार रिएक्ट का प्लेस है आप लोग इसको फॉलो कर लेना, बाकी ये कमांड अब मैं इसके बारे में अगले वीडियो में देखूंगा। बाकी आज तो ये कमांड रन नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ले रहा है टाइम, और यहाँ पे मैं वाई करूँगा, यहाँ पे शायद इससे काम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि
बेसिकली हमारा बीट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सिंपली इस बार नाम रखूँगा सेकेंड प्रोजेक्ट। और मैं यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करूँगा एंड टाइप स्क्रिप्ट मैं नहीं रखूँगा, जावास्क्रिप्ट मैं सिंपली रखूँगा, सिंपली इंटर मारूँगा। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया भाई। तो मैंने कहा था ना आपको यार, रिएक्ट फर्स्ट रिएक्ट टाइप जो है ना, मतलब क्रिएट रिएक्ट टाइप से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आपको सेकेंड प्रोजेक्ट यहाँ पे ये क्रिएट करके देगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर तो हम लोग अगले डे देखेंगे, बट वीट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस तरीका है। आप लोग यहाँ पे वीट का यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फिर से ट्राई करूँगा NPX का यूज़ करने का, और मैं फिर से इसको लिखूँगा। ठीक है, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड अगर मैं इसका सिंपली होम नाम रखूँ और मैं इंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ये होम तो आ गया, बाकी इसके आगे यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को बार बार, इस बार शायद हो जाए। यहाँ पे मैं देखूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा और फिर मैं देखूँगा, अगर हो जाए तो ठीक है भाई। तो ये कमांड के लिए आपको चाहिए यार बहुत तगड़ा नेट, या आप लोग मान लो मेरे पास अभी इतना नेट है नहीं, या नेटवर्क स्पीड उतना आ नहीं रहा, तो मैं अभी इसको सिंपल कैंसिल करूँगा। तो ये कमांड आप लोग बेसिकली रन करोगे, आपके सिस्टम पे मस्ट चलने वाला है। ठीक है, आपके सिस्टम पे ये कमांड बेसिकली मस्ट चलने वाला है, मेरे सिस्टम पे चल नहीं रहा क्योंकि ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।